Dear students, in our last lecture, we discussed about polynomials, कि polynomials क्या होते हैं, उनको कैसे classify करते हैं, क्या degree होती है, मतलब degree हम कैसे define करते हैं, zero क्या होते हैं polynomial के, value of a polynomial क्या होती है, इन सारी चीज़ों के लिए मैंने आपको कुछ lectures suggest किए थे last video में, and hopefully आपने वो lectures जो हैं वो एक बार follow कर लिए होंगे. In this particular lecture, we'll discuss graph of polynomials. कि polynomials के graph हम लोग कैसे बनाते हैं. इसमें सबसे पहले category हम लोग इस lecture में discuss करेंगे, which is linear polynomial. तो linear polynomial का first of all हमें पता होना चाहिए कि इसका expression क्या होता है. It is ax plus b, where a should not be equal to zero. क्योंकि अगर a ही equal to zero हो गया, तो ये जो अपने पास polynomial बचेगा, ये linear बचेगा ही नहीं, ये किसमें convert हो जाएगा? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल में. इसको समझाया हुआ है मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में. अब लीनियर पॉलिनोमियल का शेप क्या होता है? तो शेप इज ऑफ स्ट्रेट लाइन. मतलब ये जब ग्राफ हम बनाएंगे इसका, तो हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और स्ट्रेट लाइन मिलती है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड आर टू. क्या हमें ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कितने मिनिमम पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो आंसर वुड बी टू. अब बहुत सारी जगह बच्चों को ये भी बताया जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन इज थ्री, बट अगर हम दो पॉइंट से भी बनाएंगे लाइन, तो वो यूनिक लाइन ही होगी. दैट्स वाई मैंने यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं उनको टू अलोकेट किया है. चलिए कुछ स्टेप्स देखते हैं इसकी, कि ग्राफ कैसे बनता है. स्टेप नंबर वन विल से लेट y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी, कि जो भी आपको क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखा है उसको y मान लीजिए, और उसको इक्वेशन नंबर वन कंसिडर कर लीजिए. साथ साथ एक क्वेश्चन भी देखते हैं पैरेलल में, कि क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस थ्री. तो क्या बोला स्टेप नंबर वन में, कि जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसको y अज्यूम करें. तो यहाँ पर भी हमने क्या करा, लेट y इज इक्वल्स टू 2x प्लस थ्री, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन. क्यों y अज्यूम करा? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब भी किसी ग्राफ को प्लॉट करेंगे, हमें एटलीस्ट टू कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी. अगर पहला x है तो दूसरे y की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को y की फॉर्म में ले लिया, जिससे कि x जो है वो इनपुट की तरह काम कर लें, और y जो है वो आउटपुट की तरह काम कर लें. नाउ मूविंग ऑन स्टेप नंबर टू, इट सेज कि पुट x इज इक्वल्स टू जीरो इन गिवन इक्वेशन नंबर वन एंड गेट वैल्यू ऑफ y. कि जो भी इक्वेशन नंबर वन आपके पास है उसमें x इक्वल टू जीरो प्लेस कीजिए और वैल्यू ऑफ y निकाल लीजिए. चलिए इतना हम यहाँ पर समझते हैं. जैसे इक्वेशन नंबर वन हमारे पास ये है, तो इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन पुटिंग x इक्वल टू जीरो, तो जैसे ही आपने x इक्वल टू जीरो पुट किया, विल गेट y इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ जीरो प्लस थ्री, विच इज़ इक्वल्स टू थ्री इटसेल्फ. तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट निकल के आ जाएगा कि जब हमने x को जीरो प्लेस किया था, तो वी गॉट y इज इक्वल्स टू थ्री, सो पॉइंट वुड बी जीरो कॉमा थ्री. सो ये हमारे पास पहला पॉइंट निकल के आ गया. अब ये जो चीज़ मिली है हमने को y की वैल्यू, दिस वैल्यू विल रिजल्ट इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस. ये क्या बताएगा अपने को, कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर वैल्यू, या जहाँ पर इस पूरे पॉइंट ने या पूरी लाइन ने ग्राफ को y इंटरसेक्शन कहाँ पर किया. जैसे 0.3, ये तो हमें बिल्कुल क्लास 7th और 8th में सिखा दिया जाता है, कि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जब x इक्वल टू जीरो प्लेस किया, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो ऑन y एक्सिस ही होगा. तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब x इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू 3 लेंगे, तो विल गेट अ पॉइंट विच विल बी y इंटरसेक्शन ऑन ग्राफ. कि ग्राफ कहाँ y एक्सिस को कट कर रहा है, वो जो लोकेशन होगी वो लोकेशन होगी x इक्वल टू जीरो प्लेस करने पर. ऑल राइट, इन नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर थ्री, पुट y इक्वल टू जीरो एंड गेट द वैल्यू ऑफ x. दिस वैल्यू विल रिजल्ट इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन x एक्सिस. अब इसने क्या बोला, कि जैसे आपने x इक्वल टू जीरो पे y निकाला था, अब आप y इक्वल टू जीरो रखो इन टू इक्वेशन नंबर टू, नहीं, इट इज सेम एज इक्वेशन नंबर वन. तो नाउ पुटिंग y इक्वल टू जीरो इन टू इक्वेशन नंबर वन, वॉट विल गेट, विल गेट जीरो इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री, सो टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, एंड x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ थ्री बाई टू, सो पॉइंट वुड बी माइनस थ्री बाई टू कॉमा जीरो. हमें पता है पॉइंट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होता है, तो जहाँ पर पहले हमको x कोऑर्डिनेट लिखना होता है, देन हम y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, सो सेकंड पॉइंट वुड बी माइनस थ्री बाई टू कॉमा जीरो. तो अगर हम इन पॉइंट्स को टेबुलेट करें, तो जब x की वैल्यू जीरो थ्री, तो y निकल के आया था थ्री. जब x की वैल्यू हमने माइनस थ्री बाई टू ली, तो y निकल के आया
जीरो। जैसे ही ये दो पॉइंट मिले मुझे, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया। ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये था एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे वाई इज इक्वल्स टू थ्री, और ये था वाई इक्वल टू जीरो पे एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू। जब ये दोनों पॉइंट हमें मिले तो हमने क्या करा कि एक स्केल के थ्रू इनको एज अ लाइन ज्वाइन किया। सो दिस पर्टिकुलर ग्राफ विल बी वाई इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री, विच वुड बी अ लीनियर ग्राफ। सो आई होप लीनियर ग्राफ जो है वो आपको समझ में आ गया। लास्ट स्टेप वही थी कि नाउ प्लॉट दीज वैल्यूज ऑन ग्राफ एंड विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन दीज पॉइंट्स एंड गेट स्ट्रेट लाइन विच विल बी द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो अगर इसको समराइज फॉर्म में देखें तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। शेप क्या निकलेगा, स्ट्रेट लाइन। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड वुड बी टू। बहुत सारे बुक्स में थ्री लिखा होता है, या जब स्पेशली ग्राफ प्लॉट करने का क्वेश्चन आता है तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप थ्री वैल्यूज़ को लेके चलें मिनिमम। बहुत सिंपल ग्राफ था। स्टेप नंबर वन में जो भी इक्वेशन या जो भी पॉलिनोमियल हमको दे रखी थी उसको हमने वाई के इक्वल असाइन किया। सेकेंड इक्वेशन में या सेकेंड स्टेप में एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया और वाई निकाल लिया, जिससे कि हमें ग्राफ पे वाई इंटरसेक्शन निकल के आ गया। नेक्स्ट स्टेप में वाई इक्वल टू जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकाली, जो कि हमको एक्स इंटरसेक्शन दे देगा। फोर्थ स्टेप में हमने टेबुलेट कर लिया वैल्यूज़ को, एक्स एंड वाई को, और फिर उसके बाद उन वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। सो दिस इज़ आर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स के ग्राफ ड्रॉ करने सीखे। और यहाँ पर मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स लिखाए हुए हैं, जैसे हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू 4x माइनस 5 का, y इक्वल्स टू 3x माइनस 9 का। तो ये आप खुद से करके देखिएगा, और ये जो स्टेप्स मैंने लिखी है वन बाय वन, इन्हीं को फॉलो करते हुए सॉल्व कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसके सॉल्यूशन इस पर अपलोड कर दूंगा। सो आई होप दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।